हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। अगर ये कोई बॉलीवुड की मूवी होती या साउथ की मूवी होती तो बहुत सारे ऐसे रिव्यूअर्स हैं जो लोग बोलते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर मूवी में ना ही लॉजिक है ना ही सेंस है। यस, बट ये एक हॉलीवुड की मूवी तो वो सारे रिव्यूअर्स सब बोलेंगे वाह क्या एंटरटेनिंग मूवी है। एंड इनफैक्ट ये एक एंटरटेनिंग मूवी है, लेकिन मैं अब इस बात से यही कहना चाहता हूँ कि यार चाहे बॉलीवुड हो चाहे साउथ इंडस्ट्री हो चाहे वो हॉलीवुड हो, अगर इस तरह की मूवी बनती हो जहाँ पर वाकई में कहीं लॉजिक नहीं है कहीं सेंस नहीं है तो उसको एज अ एंटरटेनमेंट ही लेना चाहिए और मूवीज आखिरकार एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाई जाती है। खैर आज हम लोग बात करेंगे बुलेट ट्रेन जो कि थिएटर्स में रिलीज हुई है। मूवी की ओवरऑल लेंथ ऑलमोस्ट 2 घंटे 10 मिनट, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज देखने मिल जाती है। मूवी को डायरेक्ट किया डेविड लिच, जो वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग मूवीज बनाए जैसे कि एटॉमिक ब्लॉन्ड, डेडपूल, हॉब्स एंड शो, फाइट क्लब जैसी मूवीज जो कि हमारे इंडिया में भी बहुत फेमस हुई है। आप लोग तैयार हो इस बुलेट ट्रेन के सफर में, ये जा रही है टोक्यो टू क्योटो। तो खैर हम लोग बात करेंगे इस मूवी की कहानी जो कि 3 अलग अलग स्टेप्स में शुरू होती है। सबसे पहला स्टेप ये है, मूवी की शुरुआत में हमें ऐसा बताया जाता है बच्चे को किसी ने बिल्डिंग से धकेल दिया है, तो इसलिए उस बच्चे का फादर अपने बेटे का रिवेंज लेने के लिए बुलेट ट्रेन में जाता है क्योंकि जिसने उस बच्चे को टेरिस से धक्का दिया है वो उस बुलेट ट्रेन में है। और दूसरे स्टेप में है ब्रैड पिट जो कि एक एसएसएन है लेडी बग, अब उनको इस बुलेट ट्रेन में जाना एक ब्रीफ केस चुराने के लिए जिसके अंदर पैसे और गोल्ड है। तीसरे स्टेप में हमें नजर आते हैं 2 कैरेक्टर लेमन और तेंजरीन, दोनों ही भाई है। अब ये दोनों बहुत ही खतरनाक किलर है लाइक जॉन विक समझ लो। अब ये लोग एक बंदे को लेकर उस बुलेट ट्रेन में जा रहे हैं। अब ऐसे में कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स होता है, कैसे उस बुलेट ट्रेन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शन कॉमेडी और एंटरटेनमेंट ही मिलेगा, वो सब कुछ जानने के लिए तो भाई आपको ये मूवी ही देखनी पड़ेगी। मूवी को स्टार्ट से लेकर एंड तक इतना एंगेजिंग रखा है, चाहे उसके एक्शन हो चाहे उसकी कॉमेडी हो चाहे उसके सिनेमेटोग्राफी के थ्रू हो चाहे वो एक्टर्स के परफॉर्मेंस के थ्रू हो, वो एक सेकेंड के लिए भी आपको सांस लेने के लिए और मतलब यहाँ वहाँ नजर करने के लिए देता ही नहीं है। मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक मैं कहीं पर भी बोर रहा, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये मूवी इस लेवल की निकल के बाहर आएगी। मैंने जब इसका ट्रेलर देखा था, जब मैंने ब्रैड पिट को देखा था, तभी समझ गया कि भाई ये मूवी देखना है, लेकिन इस लेवल की तबाही होगी ये मूवी। आई वाज नॉट एक्सपेक्टेड और लिटिल आई वाज शॉक्ड। मूवी में आपको कुछ कैमियोज देखने को मिलेंगे लेकिन डेडपूल दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, एंड अब वो तो भाई कहाँ है किधर है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात करूँ तो जिस तरीके से वो बुलेट ट्रेन के अंदर हर एक सीन को शूट किया है, VFX और एक्शन सीन गजब है भाई, BGM अच्छा है, एंड एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई ब्रैड पिट अपने कॉमेडी और एक्शन दोनों ही अवतार में आपका दिल जीत लेंगे। उसके अलावा जो दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं सब लोग ने अपने इस रोल को बहुत अच्छी तरह से किया, लेकिन जो दो एक्टर है जिसने लेमन और टेंजरीन के रोल प्ले किया है यार, जब जब वो स्क्रीन पर आते हैं मतलब आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। मूवी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इलॉजिकल है जिसका सेंस ही नहीं, मतलब जैसे बुलेट ट्रेन और जापान में इस तरीके की चीज़ें हो रही है जो कि मीडिया कवर नहीं कर रही और लॉ एंड ऑर्डर तो हमें नज़र ही नहीं आता, मतलब पुलिस तो जापान में है ही नहीं शायद जिस तरीके से ये सारी घटनाएँ हो रही है ट्रेन में, और ट्रेन में आपको बहुत कम पैसेंजर देखने को मिलेंगे, मतलब बुलेट ट्रेन जैसी जापान में जो कि कॉमन है और पूरी भर के जाती है, लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर मूवी में देखोगे तो वो ट्रेन लगभग आपको खाली देखने मिलेगी, बस एक आध डब्बे आपको फुल देखने मिलेंगे बाकी सब कुछ खाली। उसके अलावा मूवी में कभी कोई मर जाता है, कभी कोई मर के वापस जिंदा हो जाता है, यानी बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको आप लोग फन जिसको आप लोग चूतिया भाभी बोलोगे लेकिन उसको इग्नोर करो क्योंकि ये मूवी वो सारे चीज़ों के लिए बना ही नहीं गई सोचने के लिए, बस आपको दिमाग घर पर रखना और इस मूवी को एंजॉय करना। डायरेक्शन की बात करो तो भाई येट अगेन डेविड लिच ने ये प्रूव किया कि उनसे बढ़िया एक्शन कॉमेडी मूवी कोई बना ही नहीं सकता है। 2 घंटे 10 मिनट में आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा ये गारंटी मैं लेता हूँ, और हाँ पेरेंटल गाइडेंस इतना बोलूंगा ये बच्चों के लिए नहीं बिकॉज ऑफ इज वॉयलेंस, खतरनाक वॉयलेंस। मैं इस पर्टिकुलर मूवी की रेटिंग दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।